गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम शालिग्राम मिश्रा, टीचर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। दिस वीडियो इज ऑफ क्लास 5 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज से यस और नो। फर्स्ट क्वेश्चन यू सी, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो दिस इज यस, ट्रू स्टेटमेंट, सिंस ओनली 2 इज द नंबर इवन नंबर विच इज प्राइम, अदर इवन नंबर आर कंपोजिट, सो वी कैन से दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इज ट्रू, सो वी विल राइट यस हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, को प्राइम नीड नॉट बी प्राइम नंबर देमसेल्व्स। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कंपोजिट नंबर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर को प्राइम नंबर, लाइक 8 and 9 बोथ आर कंपोजिट नंबर, बट बोथ हैव कॉमन फैक्टर HCF 1, सो 8 and 9 आर को प्राइम नंबर, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, को प्राइम नीड नॉट बी प्राइम नंबर themselves। नाउ सी, प्राइम नंबर्स हैव आइदर 1 or 2 फैक्टर्स ओनली, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इफ एनी नंबर हैज ओनली 1 फैक्टर देन दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, लाइक 1 हैज ओनली 1 फैक्टर 1, सो 1 इज नॉट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो ए प्राइम नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, बट हियर इट इज रिटन 1 or 2, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो सी इज नो। डी, ऑल कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 9 इज ए कंपोजिट नंबर बट 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 2 or 3 इज द ओनली पेयर ऑफ सक्सेसिव प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 2 or 3 इज द ओनली पेयर ऑफ सक्सेसिव प्राइम नंबर्स, यस दिस इज ट्रू, बिकॉज आफ्टर 2 and 3 नो सक्सेसिव नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, बिकॉज 1 नंबर इज ऑड, आफ्टर सक्सेसर इवन, देन ऑड, देन इवन, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट 2 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 एक्सेप्ट 2 or 3, सो दिस इज ट्रू। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 2, कैन 12 and 35 बी कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, व्हाई, तो यू विल फाइंड द HCF ऑफ 12 and 35, एंड व्हेन वी फाइंड द HCF ऑफ 12 and 35 द HCF विल बी 1, सो HCF विल बी 1, सो वी कैन से दैट 12 and 35 इज को प्राइम नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू सी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो यू ऑलरेडी लर्न द डिविजिबिलिटी रूल्स दैट इफ वंस प्लेस इज 0 or 2 or 6 or 4 or 8 देन इट इज डिविजिबल बाय 2, तो यू कैन सी दैट ए इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट वंस प्लेस इज 2, बी इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज वंस प्लेस इज 5, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द अदर क्वेश्चंस, यू विल जस्ट राइट दिस इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड द रीजन यू ऑलरेडी नो दैट ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल द ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स बाय 3 विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिविजन, सो यू डोंट नीड टू डिवाइड बिकॉज यू नो द रूल दैट इफ द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो यू कैन चेक 126 फोर ए 126, सी हियर 4A 126, नाउ वी एड द डिजिट्स, तो 1 + 2 + 6, आफ्टर एडिंग डिजिट्स वी हैव गॉट 1 + 2 + 3 + 6 = 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 126 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
3. Hence 126 is also divisible by 3. In this way you will check all the numbers one by one and you will write the answer. You will add the digits, and after adding the digits you will check that if the number is divisible by 3 or not, and then you write the final answer. If the digits, addition of digits is divisible by 3, you will write the number is also divisible by 3. If the addition of digits is not divisible by 3, then you will write the number is not divisible by 3. Now you see question number 5. Write the following numbers are, which of the following numbers are divisible by 4. So what is the rule of divisibility rule? 4. You will check the tens place and ones place number. Divide by 4. So when you 114, when you divide 14 by 4, 14 is not exactly divisible by 4 because you have got the remainder. So 114 is not divisible by 4. Now 312, you see the last two digit is 12, and 12 is divisible by 4. 4, 3 is 12, remainder is 0. So you will say 312 is also divisible by 4. Take some more examples. This 22,232. You just check the last two digits. 32 is divisible by 4. So the whole digits is divisible by 4. Take one more example. This 9,54,32,104. Last two digits is 0 and 4. And 0 and 4 is 4. And 4 is divisible by 4. So this number is also divisible by 4. So in this way you will do all the questions of this. Now question number 6, you see. Test the divisibility of the following numbers by 5. And divisibility rule of 5 is very simple. Ones place you will check. If the ones place is 0 or 5, then the digit is divisible by 5. So you see that A, 1650 is divisible by 5 because ones place is 0. 3785 is divisible by 5 because ones place is 5. C, 7778 is not divisible by 5 because ones place is not 5 or 0. Now question number 7, test whether the following numbers are divisible by 6. So divisible by 6, when you check, you will see that any even number which is divisible by 3, then it is divisible by 6 also. So 7050, it is even number. Now you will check that is it divisible by 3 or not. Divisibility of 3 you have already discussed. 7 plus 0 plus 5 plus 0 is equal to 12, which is divisible by 3. It means this number is divisible by 3 and this is even number, so it is divisible by 2 also. So if the number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6 also. So this is divisible by 2 and 3 both, so this number is divisible by 6. Now in this way you will check other questions also. Now question number 8, you see, test whether the following numbers are divisible by 1 or 2 or all of 7, 8 and 9. So you will check one by one all the questions. You will divide by 7. After that you will check the divisibility rule of 8. Then you will check the divisibility rule of 9. If it is divisible by only 7, you will write that this number is divisible by 7. If it is divisible by 7 and 8 both, you will write this is divisible by 7 and 8. If it is divisible by 7, 8 and 9 all, then you will write this number is divisible by 7, 8 and 9. So in this way, you will do, we have discussed almost all the questions. Now you will solve this exercise. You will complete this exercise, exercise 4.1. Thank you.